हेलो फ्रेंड्स, मैं रुक्मणी रसोई से आज मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। ये बच्चों को बहुत अधिक पसंद है, इसके लिए मैंने एक जेब बॉयल भर के पास्ता लिया है जो कि वो 250 ग्राम लगभग। मैंने 4 कलियाँ लहसुन की छोटी छोटी चॉप कर ली हैं, थोड़ी एक गट्टिया मैंने प्याज की चॉप की है, एक लाल शिमला मिर्च, एक हरी शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, इन सबको बारी बारी चॉप कर लिया है, और 2 टमाटर मैंने ग्रेट किए हैं और 1 प्याज ग्रेट की है। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा के पानी इसको हम खौलाएंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच करीब नमक। इससे हमारे पास्ता चिपक कर नहीं है, अच्छे बनते हैं, खिले रहते। जब ये पानी खोल जाएगा तो हम इसमें पास्ता डालेंगे। और हमारे पानी खोलने लगा है, अब इसमें हम पास्ता ट्रांसफर करते हैं। इसको हम थोड़ा ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए बस। ये हमारे पास पर खोलने लगी है जी भाई, अब इनको हम ढक के रख देंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। बढ़िया हो जाएंगे जी, और ज़्यादा नहीं खोलाना है हमको इनको। अब जी मैक्रोनी हमारी उबल चुकी हैं, देखो मैंने एक खोल के बाद उसको बंद कर दी थी और ढक के रख दिया था गैस को ऑफ करके। आप इस मैक्रोनी को देखो, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं आया, और भाई मैक्रोनी बहुत सॉफ्ट हो गई। बिल्कुल देखो आप, पानी देखो, बिल्कुल पानी है जी। अब हम इसको ठंडे पानी से धोएंगे। अब हमारी मैक्रोनी देखो, आप भी ऐसे ही बनाएं, इनको खौलाएं, एक खोल पानी का एक खोल आए, मैक्रोनी डालिए, मैक्रोनी का एक खोल आ जाए और गैस बंद करके इनको ढक के रख दीजिए। आपको इसमें बिल्कुल भी जो इसका जो गाढ़ा पर लसीलापन आता है, जो जिसे माड़ बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। हमें मैक्रोनी देखो कितनी सिल्की हो गई, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही वो। और फिर आप इसको ठंडे पानी से धो लो, चाहे जैसे पानी से धो लो, क्योंकि वो उसमें बनता ही नहीं है कुछ। अब कढ़ाई हमने रख दी है, अब इसमें डाल रहे हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालेंगे और थोड़ा डालेंगे इसमें देसी घी। अब इसमें हमने डाली थोड़ी सौंफ, थोड़ी अजवाइन से बनाएंगे हम। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब डालेंगे इसमें लहसुन जो हमने चॉप की थी, हरी मिर्च, अब हमें जो प्याज ग्रेट की थी उसको डालना है। इसमें तो खुशबू आने लगी है प्याज की। अब इसमें हम ये जो हमने चॉप की थी पतली पतली प्याज, अब इनको डालेंगे, तो इनको हम फ्राई करेंगे और इसी में डालेंगे हम ये रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च। अब इनको हम भून रहे हैं
थोड़े पकने पर इसमें हम डालेंगे नमक। आप नमक डालिए इसी बैटर के हिसाब से डालिए, क्योंकि हमें मैकरोनी में डाला है तो उसमें तो आ ही जाता, इसमें हम इसी के हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये हमारी देखो शिमला मिर्च वगैरह अब ये पिंक साइड हो चुकी है जी। अब इनमें हम थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम रेड चिली डालेंगे। बच्चों के हिसाब से आप अपने हिसाब से डालिए, बच्चे कितना खाते हैं तब भी डालिए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने थोड़े ग्रेट कर लिए थे। इसको भी भून लेंगे हम टमाटर को। आपको नमक इसी मसाले के अनुसार डालना है स्वाद अनुसार। अब इसमें हम डाल रहे हैं विनेगर, विनेगर डालेंगे हम आधी चम्मच। विनेगर को चलाएंगे थोड़ा। आप इस तरह बनाएंगे ना घर मैकरोनी तो आप भी कहेंगे बहुत अच्छी बनी है। इसमें हमने लगभग एक चम्मच लिया है टमाटो सॉस। और इसमें हम थोड़ा सोया सॉस डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मैकरोनी। कितनी अच्छी है मैकरोनी बनी है। थोड़ा सा मैकरोनी मसाला भी डालेंगे इसमें हम, पास्ता मसाला चाहे मैकरोनी मसाला भी डालें आप, और थोड़ा सा डालेंगे मैगी मसाला। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी वही है ये। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया जैसे आपको पसंद हो, ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डालें, आपके बच्चे जैसा खाता हो खाते हो। हमारा हरा धनिया कम सकता है, मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए तो मैं डाल रही हूँ। ये बिना हरी धनिया की अच्छी नहीं लगती। अब जो है मैकरोनी बन के तैयार हो गई है, आप ऐसे ही बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी है।
हमारी मैक्रोन बन के तैयार। हमने गैस को कर दिया है और आप सर्व करिए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर अच्छी लगे ना तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं और शेयर, और जब वो सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।